आप सभी को सुप्रभात और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ऑनलाइन पढ़ई तोहर द्वार कक्षा में। जैसा कि पढ़ई तोहर द्वार से हम समझ पाते हैं कि कोरोना काल में हम किस तरीके से पढ़ाई घर पे ही रहते हुए कर सकते हैं, सामाजिक दूरी को फॉलो करते हुए। और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम दूर दूर तक के गांव में और कस्बों में पढ़ाई तोहर द्वार के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं और निरंतर बिना रुके हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए विषय की समझ को बना पा रहे हैं। तो बच्चों और सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार। और आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा छठवीं भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आज आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ जो हम सभी ने सुना है। तो गाना ऐसा है, गाना नहीं है लोरी है, कि चंदा मामा दूर के उई पकाए पूर के आप खाए थाली में और मुन्ने को दे प्याली में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत अनगिनत तारे और चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं, तो आज हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। या कितने हमारे ग्रह हैं, सूर्य से हमें रोशनी देता है, किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, रात में टिमटिमाते हुए तारे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम जब आकाश में देखते हैं तो हम उन तारों की आकृति बनाते हुए कुछ अपने मन में विचार लाते हैं कि ये जो तारा है ये मुझे बहुत प्रिय है, ये लाल है, ये चमक रहा है, ये कम चमक रहा है और बहुत सारी अनगिनत बातें हमारे मन मस्तिष्क में आती जाती रहती हैं। तो आइए चलते हैं सौर मंडल की सैर करने। तो सूर्यास्त के बाद आकाश में हम सभी को देखना बहुत अच्छा लगता है। दिन भर की थकान के बाद हम अपनी छत पे जाकर टहलते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे एक दो प्रकाश बिंदु नजर आने लगती हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है और हम इनकी गणना भी नहीं कर पाते हैं। शुरू में तो हम उनको काउंट कर लेते हैं, हम उनकी गणना कर लेते हैं 1 2 3 4 5 10 तक, लेकिन धीरे धीरे जब टिमटिमाते हुए तारे बढ़ने लगते हैं तब वो अनगिनत संख्या में हो जाते हैं और हम उनकी गणना नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ प्रतीत होता है, मानो किसी ने चमकीले हीरे जड़ दिए हों। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये टिमटिमाते हुए तारे हीरों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने काली चादर पे, नीली चादर पे हीरे जड़ दिए हों और जो दूर से बहुत तेज रोशनी से चमक रहे हैं और हमारे चंदा मामा हमें कुछ कुछ बातें कह रहे हैं। उसमें कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं, एक बूढ़ी माँ दिखाई दे रही है, किसी को खरगोश की आकृति दिखाई दे रही है और इस तरह हम चंदा मामा से कुछ बातें करते हैं और हम उन तारों से कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ हमें लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई देता है और ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो जिस दिन हम देखेंगे आकाश में पूर्ण चंद्रमा, एक महीने में एक बार पूरा बड़ा ऐसा गोल प्रतीत होता है, वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है जिसे पूर्णिमा भी कहा जाता है। और 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आकाश से वो गायब हो गया है और नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जब हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना बच्चों, उसके कुछ भाग रोशन होते जाते हैं और अन्य छाया में हो जाते हैं। तो चंद्रमा को पृथ्वी की पूर्ण कक्षा बनाने में 28 दिन का समय लगता है। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों में जब परिवर्तन होते रहने के कारण हमें पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सिर्फ प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से
तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक वो घटता जाता है। ये देखिए, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। ये फुल मून है पूर्णिमा, और पूर्णिमा से फिर आप ये देखिए चांद घटता जा रहा है और हम अमावस्या की तरफ जा रहे हैं। तो चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील स्थितियों को चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। और अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है तो चंद्रमा का अंधकार में भाग ही बस पृथ्वी के सम्मुख पड़ता है या दिखाई देता है। तो अमावस्या क्या होता है? जिस कारण रात में जब चंद्रमा अदृश्य रहता है, चंद्रमा की इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अमावस्या की स्थिति बोलेंगे। और अमावस्या तिथि को हमारे धर्म में प्रतिपदा या प्रतिमा भी कहा जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पे चांद दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अमावस्या की रात्रि है। और अमावस्या के दिन हम देखेंगे कि कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो कि अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। और ये पूर्णिमा की रात है जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण दिखाई दे रहा है। और हर माह की पूर्णिमा को कोई ना कोई पर्व अथवा व्रत अवश्य ही मनाया जाता है। तो भारत में ऐसे कौन से त्योहार हैं जो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं? तो पूर्णिमा में हम होली का त्योहार मनाते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार भी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। और अमावस्या की रात को दीप जलाकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है, जिससे पूरा का पूरा दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। और इसके साथ जो कथा है कि रामचंद्र भगवान सीता माता को लेकर अयोध्या आए थे और खुशियां मनाई गई दीप जला के, तो ये लक्ष्मी पूजा जो है वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अब ये देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि रात में तो हमको पूरी जो पूरा आकाश जो है वो टिमटिमाते तारों से ढका हुआ रहता है, और जैसे ही सुबह होती है सारे के सारे जो तारे हैं और चांद है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो जब सूर्य का अत्यधिक प्रकाश सुबह हम देखते हैं तो हमें एक भी तारा दिखाई नहीं देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण दिन में चंद्रमा व तारे दिखाई ही नहीं देते हैं, वो छुप जाते हैं। सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी रोशनी से जो तारे हैं वो अपनी चमक खो देते हैं और वो हमको दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा और ऐसी कोई भी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, हम उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अब खगोलीय पिंड क्या होते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो खगोलीय पिंड एक ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो पूरे ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है, भगवान ने उसका निर्माण करके उसको प्रकृति में विद्यमान किया है। और इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड और ब्लैक होल आदि सभी को इस खगोलीय पिंड माना गया है। तो अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो खगोलीय पिंड एक ऐसी वस्तु है जो पूरे ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से ही पाई जाती है। इसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है, मनुष्य बना ही नहीं सकते हैं किसी भी तरह का खगोलीय पिंड, और ये प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में पाई जाती है। और इसमें तारे, ग्रह, किसी भी तरीके के प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, आकाशगंगा, उल्का पिंड और ब्लैक होल के बारे में भी आपने समय समय पे सुनते रहते होंगे न्यूज में, जो ये सारी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं और ये बहुत गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं।
जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य से आप देख रहे होंगे कि सूर्य हमसे कितना दूर है, लेकिन उसका जो प्रकाश है, उसकी जो ऊष्मा है, वो हम तक कितनी तेज गति से और कितनी भारी मात्रा में हमारे धरती तक पहुंच रही है। और जीवन का आधार ही सूर्य का प्रकाश और उसकी ऊष्मा है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे को बहुत दिनों तक सूर्य की रोशनी में नहीं रखेंगे, तो वो सूर्य की रोशनी की वजह से उसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ कम हो रही है। और सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाए जाने की जो प्रक्रिया है, वो धूप और ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा के कारण ही होती है। तो जितने भी खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में मौजूद हैं, इनके पास में ये बड़े और छोटे आकार के होते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि हमसे ये बहुत दूर है, इसलिए हमें उनकी जो गर्मी है, उनकी जो ऊष्मा है, वो हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य जो है, वो सूर्य सूर्य बहुत बड़ा तारा है, इतना बड़ा तारा है। आप देखेंगे जब सूर्य सूर्य का उदय होता है, तो उसका आकार आप देखिए, वो यहाँ से हमारी धरती से इतना बड़ा दिखता है, तो सोचिए अगर हम पास जाएंगे तो कितना बड़ा दिखेगा। और उसके पास कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका उसमें से जो ऊष्मा निकलती है, उसमें से जो गैसेस निकलती हैं, वो बहुत तेज और भारी मात्रा में निकलती हैं, जो कि मानव के लिए वहन करना या उसको सहन करना संभव ही नहीं है। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं, वो सबसे पहली बात है कि वो बहुत गर्म होते हैं, दूसरी बात है कि ये गैसों से बने होते हैं, और तीसरी बात है कि इनके पास में अपनी ही ऊष्मा और प्रकाश होती है, और ये उसको निरंतर बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं, और खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है, और सूर्य भी एक तारा है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। अब ये देखें, हम ये पहले हम पिक्चर को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको स्लाइड में पिक्चर दिखाई जा रही है, आसमान में एक ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखाया जा रहा है। अगर आपने वास्तव में हवाई जहाज की यात्रा की होगी, या आपने कभी हवाई जहाज देखा होगा जो कि एरोड्रम में खड़ा रहता है, या उसको थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, तो हवाई जहाज का जो साइज होता है, माप होता है, वो बहुत बड़े आकार का होता है। लेकिन जब ये आकाश में ऊपर उड़ता है, तो देखिए हमें कितना ये छोटा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, और एक चिड़िया के समान, छोटी चिड़िया के समान ही दिख रहा है। तो रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, तथा हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है कि जो जो चीज बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है, जैसे हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जो चीज जितनी ज्यादा धरती से ऊंचाई पर होगी, वो हमको छोटी ही प्रतीत होगी, और जब वो धरती के नजदीक आती है, तब फिर वो उसका आकार हम समझ पाते हैं कि वो कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्यारे बच्चों। और इस किसी भी विषय को जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, तो उसको हमें समझने में और उसको अपने जीवन में उतारने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में ही करके देख सकते हैं कि आप दूर से, दूर की जो चीजें हैं वो हमको बड़ी दिखेंगी या छोटी दिखेंगी। आज आप अपने घर में एक बॉटल को रख के देखें, कि कुछ दूरी पर एक बॉटल को रखें और उसका साइज देखें कि वो छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, और फिर उसको अपने पास नजदीक में टेबल पर रख के देखें, तो वो बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें छोटी छोटी गतिविधियां करते रहना चाहिए, ताकि हम विषय वस्तु को बहुत ही अच्छे से समझ पाए और उसके बारे में हमें कभी भी डाउट नहीं हो। तो इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि कोई भी चीज जो हमसे बहुत अधिक दूरी पर होगी, वो हमेशा हमको छोटी दिखेगी, और जो पास में हमारे चीज होगी, नजदीक में होगी, वो हमको बड़ी दिखेगी। अब हम चलते हैं नक्षत्र मंडल की ओर।
तो रात्रि के समय आसमान में आपने तारों के विभिन्न समूहों को देखा होगा और उनकी बहुत सारी आपने आकृतियां को बनते हुए देखेगा देखा होगा। कभी आपको लगेगा कि आकाश में आपने भालू देखा, तो कभी आपने देखा होगा कि तारों के समूह से हम मछली को इमेजिन कर रहे हैं और हमें मछली दिख रही है तारों की बनी हुई। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं और उर्सा मेजर या बिग बेयर एक बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है। आज आप छत में जाएं अपनी शाम को, धीरे धीरे जैसे अंधेरा घिरने लगता है और आप देखेंगे कि कैसे नक्षत्र मंडल उकर कर आ रहे हैं और बहुत बड़ी काली चादर पे धीरे धीरे आकृतियां बनती जा रही हैं और तारों के विभिन्न समूह आप देख पाएंगे कि कभी टेबल की आकृति बन रही है, कभी पूंछ की आकृति बन रही है, कभी हाथी बनता दिख रहा है, कभी भालू दिख रहा है। तो ये सारे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है उर्सा मेजर या बिग बैर। इसको हम बिग बैर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भालू की आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इसको बिग बियर भी बोला जाता है। तो ये एक नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार का एक और नक्षत्र मंडल है जो हमें बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं और उसके बारे में हम सभी जानते हैं, उसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। उसमें एक सात तारों का समूह है और सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का होता है संत। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमने भूगोल विषय को अपने धर्म से जोड़ दिया कि हमें हमने उन सात तारों का नाम लिख दिया, नाम रख दिया ऋषियों के नाम पर। और ये सात तारों का समूह जो है वो भी उर्सा मेजर बिग बेयर का ही एक भाग है। तो सप्तऋषि सात तारों का समूह है। जब आप आज छत में जाकर तारों को देखने की कोशिश करेंगे और आकृतियां बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सात तारों का एक समूह है जो जो एक आकृति में बनता है और उसे उसे पहचानना बहुत आसान होता है। ये देखिए, ये सप्तऋषि, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये पूंछ है इसकी और इससे एक आकृति बन रही है। तो आप जब जाते हैं तो आप हमेशा काउंट करें या उसको गणना करें कि अच्छा ये सात है तो ये सप्तऋषि है। और इसी तरीके से अगर आप उर्सा मेजर बिग बेयर की आकृति को बनाना चाहेंगे तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि पहले के जमाने के पास तो लोगों के पास मोबाइल नहीं था, दिशा मापने के यंत्र नहीं थे, दिशा निर्धारण के कोई यंत्र नहीं थे, तो लोग कैसे दिशा का निर्धारण करते थे और सही जगह पर पहुंच जाते थे। तो ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सूर्य है और ये जो व्यक्ति है ये कुछ कोण बनाकर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको दिशाएं बता रहे हैं कि ये जो है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व और पश्चिम दिशा है और इससे हम अपने रास्ते का निर्धारण कर सकते हैं, दिशा का निर्धारण कर सकते हैं जो कि हमको सही रास्ता बताने में मदद करती है और हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो प्राचीन समय के लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अगर रात में कभी आपको यात्रा करनी पड़े या कहीं जाना पड़े तो दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता था? तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण कर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे। और जो ध्रुव तारा है जो कि उत्तर दिशा बताता है, ध्रुव तारे की सहायता से हम बहुत आसानी से दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ध्रुव तारा जो है वो आसमान पर एक ही स्थान पर नियमित पाया जाता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अब आती है ग्रहों की बारी कि ग्रह क्या है। तो सूर्य तथा किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपने आप कहाँ कैसे घूम घूम कर किसकी किसकी परिक्रमा करते हैं। तो जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के या किसी अन्य तारों के इर्द गिर्द ऐसे गोल गोल यूं घूमकर परिक्रमा करते हैं और इनको हम ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह कैसे घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गोल गोल सूर्य की या किसी अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। और ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति और बुध को सबसे छोटा ग्रह माना गया है। तो ग्रह की परिभाषा समझने के लिए आइए हम देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और आपको बहुत आसानी से ग्रह के बारे में समझ आ पाएगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, कुछ
कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हैं जिनके पास स्वयं अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, तो वे अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं और अंग्रेजी में हम उन्हें प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो शब्द प्लैनेट है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लैनेटाई, तो यहाँ से हमने प्लैनेट शब्द को लिया है और इसको हमने अंग्रेजी अनुवाद, इसका प्लैनेट है, और हिंदी में हम इसको ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती होती है कि जो खगोलीय पिंड जिनके पास में अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, ऐसे तारों वो अन्य तारों से अपना प्रकाश लेते हैं और इन्हें ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। और ये देखिए, परिभ्रमक चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, हम उस पर रह रहे हैं और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, तो पृथ्वी अपना प्रकाश और ऊष्मा पूरा का पूरा सूर्य से ही प्राप्त करती है। तो सूर्य और सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। कुछ रोचक तथ्य, जैसे मैं हमेशा अपनी कक्षाओं में बच्चों के साथ साझा करती हूँ, तो मैं कुछ रोचक तथ्य लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि पौराणिक रोमन कहानियों में रोमन की कहानियों में आप हमेशा देखेंगे कि जो सूर्य देवता हैं उनको शौल के नाम से जाना जाता है। और जियोग्राफी एक इंग्लिश शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो जब हम पृथ्वी के बारे में लिखते हैं या उसके बारे में कुछ भी हमें तथ्य पता चले और हमने उसको तुरंत ही लिख दिया, उसका डेटा इकट्ठा किया और उसको हमने तुरंत लिख दिया, कहीं पे रिकॉर्ड कर लिया, और तो इसको हम जियोग्राफी विषय में या इसमें हम लिखते हैं। और खगोल शास्त्री जो नक्षत्र मंडलों के बारे में पढ़ते हैं या ज्योग्राफी के बारे में जो पढ़ते हैं उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और आप देखते होंगे कि प्रकाश की गति जो है वो इतनी जल्दी कैसे हम तक पहुंच जाता है, सूर्य से प्रकाश हमारे धरती तक इतनी जल्दी पहुंच जाता है, तो उसकी गति क्या होती होगी। तो प्रकाश की गति जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती तक प्रकाश पहुंच रहा है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। ये देखिए, ये पिक्चर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये सूर्य जो है ये बीच में है और इसके इर्द गिर्द जो ग्रह हैं वो एक गोलाकार में चक्कर लगा रहे हैं। ये है हमारा सौरमंडल परिवार। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और बहुत सारे अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इस परिवार का मुखिया सूर्य है। ये सूर्य है और इनका ये गैसों से बना हुआ है और इनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनके नाम हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप ये लाइन को याद रखेंगे तो आपको जल्दी से सारे ग्रहों के नाम याद हो जाएंगे। माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये देखिए, ये जो लाल में मैंने पहला शब्द को मार्क किया है, ये हमें ग्रहों के नाम को याद रखने में बहुत मदद करता है। जैसे इसमें माय में एम है तो एम से होता है मर्क्यूरी, वेरी में वी से होता है वीनस, ई से होता है अर्थ, और इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों को भी याद रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर हम ये इस स्टेटमेंट को या इस लाइन को याद रखें तो हम कभी भी ग्रहों के नामों में गलती नहीं करेंगे, और वो क्रम से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून,
और ये सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार क्रम में ही व्यवस्थित हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक सुनिश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें हम कक्षा भी कहते हैं। वो अपनी नियमित कक्षा में ही सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो कभी भी अपनी कक्षा से हटते नहीं हैं। अब ये देखिए बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 डेज का समय लगता है। ठीक है ना, तो ये जो ग्रह है ये कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। और ये पूरा जो है ये हमारा आकाश गंगा है, और बुध ग्रह है सबसे ज्यादा नजदीक है सूर्य के, और ये अपनी कक्षा में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर 88 दिन में लगा पाता है। और ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बहुत सुंदर माना जाता है इसका, देखिए आप देख रहे हैं कितने सुंदर है शुक्र ग्रह। और शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और अब कुछ हम बौने ग्रहों की भी बात करते हैं कि पहले जो था वो प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन किन वजह से अब हम प्लूटो को ग्रह नहीं मानते हैं, या कैसे हमारी किस वजह से प्लूटो को ग्रहों से बाहर कर दिया गया और वो बौने ग्रहों की कैटेगरी में आके खड़ा हो गया। तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया, और कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड जैसे 2003 रूबी, 313 सिरस तथा प्लूटो, वो बौने ग्रह की श्रेणी में उनको रखा गया। और पहले जैसे हम 9 ग्रह मानते थे प्लूटो को मिलाकर, तो प्लूटो को अब दूसरी कैटेगरी में रखा गया और उनको बौने ग्रहों की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाने लगा। तो रात में हम सभी आसमान को देखकर, और मनुष्य हमेशा मोहित होता है खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। जब भी हम तारों की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसके रहस्यों के बारे में जाने, ब्रह्मांड में ये कैसे होता है ना। तो कभी हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं तो हम उनको ढूंढने लगते हैं। तो ये ब्रह्मांड के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं। कभी हमें एक तारा टूटता हुआ दिखाई देगा आसमान में, कभी हमें अलग अलग जो ग्रह हैं कभी लाल दिखाई देते हैं, कभी कोई तारा हमको बड़ा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। तो ये ब्रह्मांड के रहस्य जानने में मनुष्य हमेशा कोशिश करता रहता है और उसके रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है। और आर्यभट्ट जो है वो प्राचीन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, और उन्होंने जो बताया था कि चंद्रमा और सभी ग्रह परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, तो आज उसी को लेकर पूरा का पूरा भूगोल का जो विषय है उस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हुआ, और धीरे धीरे हमने ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को समझने में हम कामयाब भी हो गए हैं। ये आर्यभट्ट हैं, देखिए आप पीछे ग्लोब धरती और कुछ ग्रह दिखाई जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। अब आती है बच्चों अभ्यास की बारी, और आप जितना ज्यादा एक एक चीज बच्चों मैं कहना चाहूंगी आप सभी से कि आप नियमित तौर पर एक नियम बना दें। रोज जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह एक ये नियम बना लें कि आपको अपनी जो जो किताब है आपके पास भूगोल की क्लास 6 की, 6वीं क्लास की जो भूगोल की किताब है, उसमें से आपको 2 पेज रोज रीडिंग करना ही करना है नियमित तौर पर। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने पेरेंट्स को देखते हैं या हम अपने बड़ों को देखते हैं कि जैसे ही सुबह होती है सबसे पहले हमारे घर में न्यूज़पेपर वाला आता है और न्यूज़पेपर को डाल के चल देता है, और घर में पापा दादा चाचा सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उन लोग उठकर ब्रश करके पेपर पढ़ते हैं। तो आपका ये आज से नियम बांध लें कि आप पेपर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में आप अपनी किताबों का भी अध्ययन जरूर करेंगे।
आप एक पैराग्राफ पढ़ें चाहे दो पैराग्राफ पढ़ें चाहे एक पेज पढ़ें, आपको रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग करने से क्या होगा, जब हम एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती है और हमें याद रहती है। तो जब हम अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो हमें सारे अभ्यासों के प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आते जाएंगे। और अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा परेशानी होगा कि हमें आंसर नहीं मिल रहा है। तो आज का जो अभ्यास है उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार आपको सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही सिंपल सा, आपको अगर लाइन को याद रख लेते हैं और अगर आप रोज उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे या उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप ग्रहों को सही क्रम में और सूर्य से उनकी जो दूरी है उसी क्रम में आपको उनके नाम याद हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में देखिएगा कि पूर्णिमा के दिन क्या आपके घर में कोई ऐसा त्योहार मनाया जाता है कि मम्मी व्रत रख रहे हैं या दादी व्रत रख रही हैं या अमावस्या के दिन क्या हो रहा है आपकी। तो आपको बहुत ध्यान से ही अपने घर के लोगों को ऑब्जर्व करना है कि क्या अमावस्या के दिन आपके यहाँ कुछ त्योहार या पूजा की जाती है और पूर्णिमा के दिन। तो ये एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से अपने घर पर रहते हुए विषय को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि सप्तऋषि और नक्षत्र मंडल को आपको छत में जाकर रात के समय जब अंधेरा होने लगता है उस समय आप छत में जाएं अपने मम्मी पापा के साथ या बड़े किसी भी घर के बड़े के साथ आप छत में जाएं, अकेले ना जाएं और सप्तऋषि को पहचानने की कोशिश करें। और नक्षत्र मंडल देखें, अगर आप बिग बैर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या उसको ढूंढ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्तऋषि को तो आप आराम से ढूंढ पाएंगे। आपके जो भी घर में बड़े हैं वो आपको मदद करेंगे कि आप सप्तऋषि को पहचान सके। तो आपको छत में जाकर आसमान में, ठीक है ना, सप्तऋषि को चिन्हित करना है। उसमें आप देखिए कि एक लाइन से आपको कुछ तारे मिलेंगे, फिर एक ऐसा आकृति मिलेगी बॉक्स की तरह, तो आप उससे आप बहुत ही आसानी से सप्तऋषि को चिन्हित कर पाएंगे। तो विषय वस्तु को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े और फिर आपको विषय पर बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। और ये जो जानकारी आज साझा की है मैंने आपके साथ में, ये आपको बहुत समय तक याद रहेगी और आपके काम आएगी। तो एक बार हम फिर से ग्रहों के नामों को देख लेते हैं और उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये इसमें नाम छुपे हुए हैं ग्रहों के और ये सूर्य से दूरी के अनुसार ही हैं। और अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको ग्रहों के नाम कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। तो ग्रहों के नाम एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये देखिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये पूरे 8 ग्रह लाइन से जमे हुए हैं। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो मुझे आशा है बच्चों की आज आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। कुछ रोचक तत्व आपने यहाँ से, तथ्य आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि रोमन कहानियों में सूर्य देवता को शोल कहा जाता था। जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द से लिया, अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से हमारी धरती तक पहुंचती है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। तो ऐसा चैट बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं अगर कोई बच्चों का प्रश्न है और अगर बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में कविता, आचार्य जी, थैंक यू सो मच कविता जी, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। असर ये पीपीटी अपलोड हो जाएगा ना, ये जी बिल्कुल पीपीटी जो है वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, पीटीडी की जो का जो यूट्यूब चैनल है, जी आप
आप इसको अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करवाए हैं किसी वजह से, तो आप इसको बाद में भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और मुझे आशा है कि कुछ जानकारी मैं आपके साथ आज साझा कर पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। सर, हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।